अब पढ़ेंगे एंगल ऑफ एंगल, अब पढ़ेंगे अपन लोग टेंजेंट टू द कर्व क्रॉसेस कहा अगेन द कर्व। अगर कोई टेंजेंट है, कहने का मतलब ऐसा है कोई टेंजेंट है, देखो किसी पॉइंट पे ये किसी पॉइंट है, इस पे टेंजेंट की चाहिए, अगर कर्व को किसी फिर पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट किया तो उसी यानी पी पॉइंट पे टेंजेंट किया, कर्व को फिर इसी क्यू पे इंटरसेक्ट किया, तो अगर इस तरह का कोई केस बनता है तो क्या हम करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका पूछता है को, तो अब ये एडवांस टाइप में पूछता है आपका। तो पी अगर आपने किसी पॉइंट पर लिया और कर्व को अगेन क्यू पे कट किया तो कैसे करना होगा, इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर मान लो हमने कहा कि ये आपका एक्स वन कामा वाई वन है और ये अगर मान लेते हैं कि एक्स टू कामा वाई टू आपने अगर निकाल लिया है तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन हम इसको यूज कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या और क्या कर सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये पहला मेथड ये होगा, या दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं, इक्वेशन आप टेंजेंट एट पी निकाल लिया फिर सॉल्व कर लिया, सॉल्व इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ कर्व, कर्व के साथ सॉल्व कर लिया, गेट आपका पॉइंट पी, पॉइंट पी यहां से आपको मिल गया, पॉइंट क्यू मिल गया सॉल्व करने के बाद, और उसमें से जो जो चीजें पूछ रहा होगा आप लोग निकाल लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, सवाल आपका ये है कि इफ अ कर्व कोई एक कर्व है, कर्व रिप्रेजेंटेड बाई, आसान से सवाल दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू cot t और tangent cot t और tangent at p और tangent at p with t इज इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब आपका जैसे ही आप t इक्वल टू पाई बाई फोर रखोगे तो x और y की जो वैल्यू मिल जाएगी वही हो जाएगा, वही आपका पॉइंट मिल जाएगा p, तो टेंजेंट एट पी विथ t इक्वल टू पाई बाई फोर क्रॉस अगेन एट q देन क्रॉस द कर्व, आप यहां पे कर्व लिख ले, क्रॉस कर्व अगेन एट q देन आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन PQ, ये PQ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, यही सारा बात लिखा हुआ है आपका कि ऐसे कोई एक यहाँ पे टेंजेंट खींचा गया, ये Q पे कट किया, ये P है, P आपका तब है जब T इक्वल टू एक्स इक्वल टू दे रखा है sec स्क्वायर T, Y इज इक्वल टू दे रखा है cot T, आपने लिखा T इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे P है, जैसे ही आपने T इक्वल टू पाई बाई फोर डाला तो आपका यहां से x इज इक्वल टू बन गया sec स्क्वायर पाई बाई फोर और इसकी वैल्यू हो गई टू, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि sec पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू होता है, आपका y इज इक्वल टू हो गया cot पाई बाई फोर और इसकी वैल्यू हो गई वन, यानी p पॉइंट हो गया वन कामा टू, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर अपन लोग जरा कर्व भी तो निकाल ले, आपको पता होगा कि जब इस तरह से दिया रहता है तो टी को टी पैरामीटर है, यहाँ पे लिख रहे ना कि टी जो है वो पैरामीटर है, तो पैरामीटर को इलिमिनेट करना ही हमारा कर्तव्य होता है, जैसे हमने पैरामीटर को इलिमिनेट किया जाने का मतलब है कि इसको एक्स को मैं इस कॉस्ट को टी को यहां से इलिमिनेट किया, यानी कॉस्ट टी को कैसे भी इलिमिनेट किया, तो sec स्क्वायर टी को ये लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन cot स्क्वायर टी हो जाएगा, यानी वन प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया x माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन x माइनस वन, एक ये बात आ गई, कौन आ गया, ये कर्व आ गया, ठीक है ना। कर्व आने के बाद अब हम कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको dy by dx निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p आपका हो जाएगा dy by dx एट 1 कामा 2, ठीक है ना, तो dy by dx जरा निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 2y dy by dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ये नीचे वाले का आपका बस 1 रह जाएगा, जैसे ही हमने dy by dx निकाल,
तो ये यहाँ पे ये सॉरी यहाँ देखो ये 2,1 मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इसीलिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये बदल गया, ये चीजें बदल गई, 2,1 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये जरा यहाँ पे देखो 2,1 क्योंकि अरे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ये मिस्टेक भी थी, ये 2/1 इंटू माइनस में ये हो गया आपका 1/1, तो ये आपका फाइनली है dy/dx = -1/2। ध्यान से देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 1, y की जगह पे 1 पुट हो गया, 1/x - 1, 2 की जगह पे 1 पुट हो गया, तो 1 - 1 होल स्क्वायर माइनस पहले से -1/2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हो गया आपका y - y1 की जगह पे आ गया 1 = -1/2 x - 1। फाइनली आपका ये x - 2 ये आपका हो गया 2y - 2 = -x + 2, ये आपका इधर आपका हो गया x + 2y = 4, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। आपको Q पॉइंट यानी इसमें भी Q पॉइंट, P पॉइंट तो अपने पास पता है, P पॉइंट है 2,1, Q पॉइंट निकालना है, Q पॉइंट अगर निकाल लेते तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। Q पॉइंट निकालने के लिए जरा से देखो एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अपने पास कुछ बातें आ चुकी है कि कर्व आ चुका है, अपने पास कर्व है, कर्व है y² = 1/(x - 1), या ऐसे भी कर सकता हूं कि x = 1 - 1/(1+y²), ये भी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आया हुआ है वो है x + 2y = 4। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके अपन लोग आंसर निकाल लेंगे, थोड़ा सा देख लेना। हाँ क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्व करो, सॉल्व टू गेट क्यू, निकालने के लिए क्या x के जगह पे 1 + 1/y² + 2y = 4 आ गया, तो यहां से जरा देखो LCM वगैरह ले लिया 4, तो उधर जाके बन गया 3, ये हो गया आपका y³ यानी 1 + 2y³ = 3y², ठीक है ना, मतलब ये आपका फाइनली आया 2y³, फिर यहाँ पे -3y² + 1 = 0, ठीक है, इसका फैक्टर y = 1 x को सेटिस्फाई करो, देखो y = 1, 2 + 1 - 3 कट गया, पूरा जीरो हो गया, तो y = 1 इसका फैक्टर है, तो इसको तीन जगह लिख लेंगे y = 1 यानी y - 1 को रख लेंगे, बैलेंस करने के लिए 2y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2y² आपको चाहिए, -2y² मिल गया, तो एक -y से मल्टीप्लाई कर दिया -y² -y हो गया, तो +y कर लिया आपका, -y + y हो गया, तो -y कर लिया यहाँ पे, ये हो गया आपका y - 1, और एक हो गया 2y² - y - 1 = 0, ये हो गया y - 1 एक, और एक यहां से क्या आया 2y² इसके अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2y + 1 और y - 1, ठीक है ना, देख लो ध्यान से, ये देखो 2y² - 2y + y - 1 आ रही बात समझ में, = 0, y की वैल्यू 3 आई, y = y - 1 होल स्क्वायर एक आया, और एक आया आपका y = -1/2, ठीक है, y = -1/2 यानी y = 1 लिया, तो x की वैल्यू आपका हो गया x = 2, y = -1/2 लिया, देखो y = -1/2 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 1/(1/4, 5 आ गई, क्या देखो तो 1 + 1/4 या यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं कि ये 1, ये हो गया 1 - 1, यहाँ x की वैल्यू -1 या +4 जाकर उधर 5 बन गया, यानी पॉइंट क्या हो गया 2,1, P पॉइंट हो गया आपका 5, -1/2, Q पॉइंट हो गया PQ के बीच का डिस्टेंस यानी अंडर रूट में 2 - 5, 3² + 1 - 1/2, 3/2², ठीक है ना, जो भी ये 3,1 आ गया अंडर रूट में हो गया आपका 1 + 1/4, कितना हो गया 1 + 1/4 यानी 5/4 यानी आंसर हो गया 3/2√5। बात समझ में आ रही है, तो ये एक सवाल है ऐसे कि यानी जब कर्व किसी एक से कर्व से पास करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे उसको, सॉल्व करके अपना हम कर्व के साथ के क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, एक ये तरीका हो गया। अब बगल में एक और सवाल लिखा है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं, क्या है, इफ टेंजेंट टू द कर्व x³ + y³ = a³ मीट द कर्व अगेन एट x², y² देन प्रूव दैट, ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है ना, तो ये अगर बात हमको प्रूव करनी है
फिर से चीजें वही है, अपन लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? 3x² + 2y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्लियरली 3 × 2 कहां से आया? 3 हुआ ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? -x² / y² यानी डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे टेंजेंट है? इफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन, दिस टेंजेंट टू द कर्व एट, अरे ये छूट गया, px1, y1 एट x1, y1 टू द कर्व, इफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1, y1 कर्व ये वाला, इफ टेंजेंट एट x1, y1 ऐसे लिखता हूं, टेंजेंट एट x1, y1 टू द कर्व x² + y³ = a³ मीट द कर्व अगेन एट x2 + x2 y2 देन प्रूव दैट, तब ये प्रूव करना है। तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट x1, y1 की बात की गई है, तो x1, y1 पे निकाल लेते हैं -x1² / y1² इतना ठीक है, इतना चलेगा। फिर आपका दूसरी बात क्या है कि जरा ये तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, एक और बात देखो, जैसे एक बार थोड़ा सा हम फिगर बनाते हैं कि ऐसे कुछ बना होगा यहाँ पे, ऐसे ये बन गया, ये आपका P है जो कि x1, y1 पे टेंजेंट खींचा गया, मैंने माना ये Q है, ये x2, y2 दे रखा है, इसका स्लोप हमने निकाल लिया है, इसका स्लोप हमने क्या किया है निकाल लिया है, इसका स्लोप कितना निकाल लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाल लिया, -x1² / y1² एक बात। दूसरी बात, एक और स्लोप निकाले, एक और काम करें कि स्लोप ऑफ पी क्यू, एक और चीज करें, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, y2 - y1 / x2 - x1 = एक चीज और है कि यहाँ पे इज इक्वल टू, क्या वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा क्या, इसका भी यूज कर लेते हैं कि -x1² / y1² ठीक है ना, -x1² / y1² एक और बात और है कि क्या x1, y1 एंड x2, y2 लाई ऑन कर्व, कर्व पे लाई कर रहे हैं क्या ये, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x1³ + y1³ = a³, x2³ + y2³ = आपका कितना a³, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस ये कट गया, कटने के बाद क्या बच गया अपने पास, कट गया तो क्या बच गया अपने पास, बच गया अपने पास x1³ - x2³ और इधर में बच गया आपका +y1³ - y2³ ठीक है। अब तो शायद आपको आंसर दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा ये x1 - x2 और ये हो जाएगा x1² + x2² + x2, इसका एक्सपेंशन हो गया माइनस, ये हो गया y1 - y2 और इधर में आपका हो गया y1³ + y2³ + y1, y2 इतना काम बन गया ठीक है ना। यानी आपको इसको उधर लेके गया मैं माइनस, देखो y2 / y1 / x2 - x1 इन दोनों में से एक एक माइनस निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये इसको इधर लेके गया तो ये पूरा इधर आएगा, मतलब x1² + x2² + x1X2 / y1² + y2² + y1, y2 ठीक है। तो आपने जरा देखो तो ये वाली इक्वेशन जो आई हुई है इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, अब इसके जगह पे हमने लिख दिया -x1² + x2² + x1X2 / y1² + y2² + y1, y2 = -x1² / y1² ये इसको काट दिया। अब ये x1² को लेकर यहाँ पे डिवाइड मार रहा हूं, देखो x1² को यहाँ पे डिवाइड मार रहा हूं और इसको वहां ले गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया भाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया बच्चों, देखो ये आपका हो गया x1² + x2² + x1X2 / x1² / y1² + y2² + y1, y2 / y1² ये कटा पिटा 1 / x2² / x1² + x2 / x1
इक्वल टू वन प्लस वाई टू स्क्वायर अपॉन वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू बाई वाई वन, ये वन से वन कट गया, बाकी को इधर लेके आ गया, तो ये आपका हो गया एक्स टू बाई एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई टू बाई वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू बाई एक्स वन माइनस वाई टू बाई वाई वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से जाकर देखो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस वाई टू अपॉन वाई वन ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां से भी ए प्लस बी, यहां कहा ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू जीरो, पूरे में से कॉमन हो गया। एक्स टू माइनस एक्स टू बाई एक्स वन माइनस वाई टू बाई वाई वन कॉमन हो गया, क्या बच गया एक्स टू बाई एक्स वन प्लस वाई टू बाई वाई वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। यानी यहां से दो बात पता चली, इसमें से एक बात हो गई एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस वाई टू अपॉन वाई वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, यही बात प्रूफ करनी थी, देखो प्रूफ हो गया, यही बात प्रूफ करनी थी, बात समझ में आ रही है। तो ये जब आपका एक कर्व किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर दोबारा उस कर्व को किसी पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से पास होती है, क्रॉस करती है, तो क्या कंडीशन बनेगी, कैसे सवाल बनेंगे, वो आपका हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है भाई, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, देखो मान लो कि कोई एक कर्व ये है और कोई एक कर्व ये है, ये दो कर्व है, इन दो कर्व का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं कि P है, तो इस पे एक P पॉइंट पे एक अच्छा तो जो इनके बीच का एंगल होगा ये P है, तो जो इनके इन दोनों के कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व मतलब कर्व के इंटरसेक्शन पे क्या एंगल बन रहा है वही अपने को इस बारे में बताना है। तो देखो ये वाला एंगल एक बनेगा थीटा, ये वाला एंगल, पर क्या सर दो कर्व के बीच का एंगल अपन लोग निकाल पाएंगे, तो नहीं ये चीज संभव नहीं है, इसलिए एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाले इस कर्व का, मान लेते हैं कि थोड़े के लिए ये कर्व आपका सी वन है, ये कर्व आपका सी टू है, तो यहां पे हमने एक टेंजेंट निकाला, देखो सी वन पे एक टेंजेंट निकाला और एक टेंजेंट C2 पे निकाला, एक टेंजेंट C2 पे निकाला, दोनों पे टेंजेंट खींच लिया और इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना वही आपका थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ये वाला एंगल आपका पाई माइनस थीटा कहलाएगा, यानी यही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या हमने बोला कि इस कर्व का यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व वन इज इक्वल टू, मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कि एम वन है क्योंकि स्लोप देता है ये, और कर्व टू के लिए भी डी वाई बाई डी एक्स, ये कर्व टू है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व टू आपका ये है, आपका मैंने कहा एम टू है, ये कर्व टू किस पॉइंट पे एट पी पे, और ये भी किस पॉइंट पे एट पी पे, पी पे निकाला, तो ये आपका जो देगा यही आपका इनके इनका स्लोप देगा। अब कैसे एंगल निकालेंगे देखो, तो पहले देखो पहली बात इसके बजाय मैं ये पहली बात कर रहा हूं, क्या पहली बात क्या करेंगे कि फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले तो पी पॉइंट पता होना चाहिए, फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट फाइंड P, और P कैसे निकालेंगे भाई, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों कर्व को सॉल्व करके बाय सॉल्विंग बोथ कर्व जो भी दोनों कर्व होंगी इन दोनों कर्व को आप सॉल्व करके निकाल लें। दूसरा काम फिर डी वाई वाई डी एक्स आए कर्व वन एट P पे, ये आपका M1 देगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व सी टू एट पी पे ये आपको एम टू देगा। देयरफॉर एंगल थीटा के लिए आपका यूज फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करना है भाई, कौन सा फार्मूला यूज करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, मॉडुलस क्यों लगाया है कि ताकि एक क्यूट एंगल दे दे ना, क्यों लगाया है एक क्यूट एंगल दे दे। तीसरी बात हो जाएगी एंगल बिटवीन कर्व कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन कर्व कितना हो जाएगा, तो या तो थीटा होगा या फिर पाई माइनस थीटा होगा, इनमें से कोई एक होगा, बात समझ में आ रही है, दोनों में से कोई एक होगा। तीसरे के बाद चौथे नंबर का पॉइंट है कि अगर आप यहीं पे देखो
अगर 1 प्लस यानी आपका tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, यानी 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, यानी दोनों के प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू आपका हो गया माइनस 1, तो हम कहेंगे कि टेंजेंट्स कैसी हो गई, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। हम क्या कहेंगे, टेंजेंट्स कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। या कहेंगे कि थीटा यानी इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, या इसी बात को अल्टरनेटिवली ऐसे बोला जाता है, कर्व्स आर कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये नाम है भाई ऑर्थोगोनली, ये आपका नाम है, सवाल में ऐसे भी बोलता है कि कर्व्स जो है कि इंटरसेक्ट करेगी ऑर्थोगोनली। तो ये आपका हो गया। फिर चौथे के बाद पांचवे नंबर का पॉइंट, अगर मान लो कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज बिकमिंग डिफिकल्ट। अगर मान लो आप निकाल रहे हो और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कर्व को सॉल्व कर रहे हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कठिन होता जा रहा है, देन आप प्लीज, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देन चेक dy by dx ऑफ कर्व 1 इंटू dy by dx ऑफ कर्व 2 इक्वल टू माइनस 1। कही है 90 डिग्री पे तो नहीं है ना, जब कठिन हो रहा है तो आप उठा के चुपचाप के बाद चेक कर लो दोनों का, m1 into m2 इक्वल टू माइनस 1 चेक कर लो। अगर m1 और m2 की वैल्यू माइनस 1 हो गई तो आपको होगा कि ऑर्थोगोनली होगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। छठा नंबर की बात क्या हो जाएगी, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज हीट एंड ट्रायल का मेथड। क्या मतलब होता है कि भाई x की वैल्यू क्या करो, x की वैल्यू कभी 0 रख लो, 1 रख लो, माइनस 1 रख लो, ऐसे निकाल रख के चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो हीट एंड ट्रायल मेथड स्टिल अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालने के बावजूद, देन फिर से चेक कर ले, तब वो 100% मतलब मैक्सिमम टाइम में वो आपका m1 into m2 इक्वल टू माइनस 1 बन जाएगा, मतलब ऑर्थोगोनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे अगर मैं सवाल अलग लिखता हूं, इफ एंगल बिटवीन x बराबर y स्क्वायर एंड xy बराबर k इज 90 डिग्री, देन फाइंड k। भाई 90 डिग्री कर दे रखा है पहले ही, कर्व 1 C1 कितना है x बराबर y स्क्वायर है, C2 कर्व कितना है xy इक्वल टू k है। जरा देखेंगे, अगर हम कहें कि आपका dy by dx निकालना चाहते हैं कर्व 1 का, तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए 1 इक्वल टू 2y dy by dx, यानी आपका ये आपका हो जाएगा dy by dx ऑफ कर्व 1 कितना हो गया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1/2y। यहां पे जरा देखो dy by dx निकालने चाहते हैं तो ये हो जाएगा x dy by dx, इसको बोलेंगे कर्व 2 का है, प्लस y इक्वल टू 0, यानी आपका dy by dx ऑफ कर्व 2 हो जाएगा y माइनस y by x। y की जगह पे यहां से मैं y के जगह पे लिख सकता हूं k by x, क्या लिख सकता हूं k by x, y की जगह पे मैं लिख सकता हूं k by x, ये क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ कर्व 2 हो जाएगा आपका कितना, y की जगह पे लिख दे या x की जगह पे लिखते हैं, हम x की जगह पे लिखना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देना है, माइनस y अपॉन ये k बाई वाई यानी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन k, ठीक है ना। अब जरा देखो दोनों कर्व दे रखा है 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो अपना 90 डिग्री एंगल का यूज करके
90 डिग्री के एंगल का यूज करके हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। 90 डिग्री एंगल यूज करने के लिए कह रखा है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 इक्वल टू माइनस 1। यहां देखो ये 1 अपॉन 2 वाई इंटू माइनस 1 अपॉन 2 वाई माइनस यहाँ पे आपका क्या है माइनस वाई स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू माइनस 1। ये यहां से आपका के एक ये डीवाई बाई डी एक्स ये आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कुछ तो आपका बन रहा होगा कि आपका 1 2y बाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेवन। तो ये हो गया आपका ये एक y से y कट गया माइनस वाई बाई टू इक्वल टू माइनस k से k कट गया k बराबर हो गया y बाई टू। बट ये आना चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक आना चाहिए। इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक करें फटाफट एक्स वाई इक्वल टू k यानी x बराबर k वाई वाई ठीक है वो तो अपन लोग देख लिए। यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स यानी 1x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आपका ये भी हो गया ठीक है आपका। उसके बाद क्या बना ये आपका यहां से ये आपका हो गया 1 into 2y dy by dx। नहीं तो ये आपका एक सवाल ही रहा होगा एक्स क्यूब अगर एक वाई क्यूब तो ये वाई क्यूब है यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 3y² dy by dx मतलब 3y² और जरा देख लो यहाँ पे ये 3y² ये y² से y² पूरा का पूरा साफ हो गया और के बराबर आपका ये नीचे में 3 के बराबर 1/3 ये आपका आंसर यही आपका डायरेक्ट आंसर है वो आपका वहां पे लिखने में गड़बड़ी हो गई है। बात समझ में आ रही है जरा सा अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ेंगे अपन लोग। अगला सवाल है फाइंड एंगल बिटवीन कितना एंगल बिटवीन आपका आपका मालूम है y² = 4x एंड y = e^-x/2। ये दो सवाल है इनके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कहा लॉगरिथमिक रहेगा तो इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। अगर मैंने हीट एंड ट्रायल के लिए अगर x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 1 हुआ काम नहीं किया। अगर x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 4 हो गया और x इक्वल टू 1 रखा तो e^-1/2 हो गया मतलब 1/√e इसकी वैल्यू निकालना फिर से कठिन हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा आप क्या करें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बीइंग डिफिकल्ट मैंने कहा क्या कहा था अगर ये निकालना डिफिकल्ट हो जाए तो क्या चेक करें चेक m1 m2 m2 की वैल्यू कहीं -1 तो नहीं है ना मतलब क्या इसका 2y dy by dx ऑफ कर्व 1 इक्वल टू 4 यानी dy by dx ऑफ कर्व 1 इक्वल टू 2y ठीक है कोई बात नहीं। इसका निकाला जाए dy by dx ऑफ डायरेक्ट मैं लिखता हूं कर्व 2 e^-x/2 - 1/2 इसके जगह पे ये y है तो -y/2। अब जरा से बताओ कि क्या dy/dx ऑफ कर्व 1 इंटू dy/dx ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू ये 2y into ओहो क्या बात है शानदार ये कट के आ गया -1 यानी एंगल कितना हो गया डायरेक्ट हमने लिख दिया एंगल बराबर 90 डिग्री। या क्या कर सकते हैं इसको कि कैसे कट कर रही है ऑर्थोगोनली कट कर रही है बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका सवाल जैसे ही आपका कठिन होने लगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएं। या मैंने कहा है कि आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो वहां हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तब भी कठिन होने लगे तो हम क्या यूज करेंगे आपका m1 into m2 = -1। अगला सवाल के आपका है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व fx = सपोज आपका दे रखा है 2^x log x log base ex एंड gx = x^x-1 ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे भाई सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना
तो हमने क्या कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो डेफिनेटली आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए, बाकी कोई ना करे। अगर मान लो स्टिल नहीं आ रहा था यार छोड़ देना यार, सवाल एक सवाल छोड़ने में क्या पत्ती जाती है। तो अगर मतलब नहीं आ रहा था टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों आप उसके पीछे लगे पड़े हो, यानी आपका यहां पे एक बार पुट करो x बराबर जीरो। अगर x बराबर जीरो पुट करो जरा बताओ इस f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई, जिसको कि हम y बोलेंगे, कितना आएगा 2 की पावर x बराबर जीरो 2 की पावर जीरो और log बेस e जीरो नॉट डिफाइंड, यानी काम ही नहीं किया, ये तो काम नहीं किया, मतलब मना कर दिया भाई, ये तो मना कर दिया भाई। x इक्वल टू जरा 1 चेक करो क्या देगा f ऑफ 1, मतलब मैं कहूंगा y की वैल्यू कितना 2 की पावर 1 और ये log बेस e1, क्या log बेस e1 की वैल्यू जीरो होती है क्या, 2 इंटू जीरो यानी जीरो आ गया क्या, तो यानी ये तो वैल्यू जीरो हो गई। g ऑफ 1 निकालें जरा, 1 की पावर 1 माइनस 1, वो हो क्या बात है, मतलब वो 1 कामा 0 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, सेटिस्फाई बोथ फंक्शन, यानी यही वाला पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ रही बात समझ में? अब हमको क्या करना है भाई, तो अपने को इनके बीच का एंगल निकालना, उस एंगल थीटा का कॉस थीटा निकालना है। एक्चुअल हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, ये चीज अपने को फाइंड करनी है। तो एक काम किया जाए, m1 निकाला जाए, m1 का मतलब dy by dx ऑफ कर्व 1, जरा इसका dy by dx निकाला जाए तो हो जाएगा 2 की पावर x log बेस e2 log बेस ex प्लस 2 की पावर x by x। क्या 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 क्यों क्यों भाई, ये पहला फंक्शन दूसरे को रोक लिया, पहले का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर दूसरे का रोक लिया, पहले को रोक लिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x बाई x, क्या हो गया ये, कहां पे निकालना था अपने को dy by dx at curve c को यहां पे 1 कामा 0 पे निकालना था, x की जगह पे 1 पुट किया ये 2, ये आपका log बेस e2 और ये तो 0 ही हो गया, प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 1 यानी फाइनली आया 2, यानी m1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। अब m2 निकालेंगे, m2 के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, m2 इज इक्वल टू g डैश, डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ये क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हम x की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बता चुके हैं क्या होता है कि डायरेक्ट लिख लेंगे भाई 1 प्लस log x, और जैसे ही आपने लिखा तो ये m2 किस पॉइंट पे निकालना था, x इज इक्वल टू 1 किस पे निकालना था, यानी 1 कामा 0 पे, तो ये 1 की पावर 1 1 प्लस ये कितना हो गया आपका 0, यानी फाइनली आया m2 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये आपका m2 इक्वल टू 1, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई मॉडुलस में, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी ये 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो गया कितना आपका, क्लियर है ना, हाँ ये 1/3 tan थीटा बराबर 1/3। तो बोलो tan थीटा मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर अंडर रूट में 10, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, तो ये आपका बेस मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 10, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है, कुछ एक सवाल और करेंगे, किसके ऊपर, इसी के ऊपर, अपने का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है। और कुछ सवाल करते हैं भाई।